जैन साथियों, कैसे हो आप? सर, मैं स्वागत करता हूँ आपके इस YouTube चैनल में जिसका नाम है एक्सप्लेन नॉलेज। आज हम दोस्तों स्टूडियो में दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल गाइज एग्जाम पैटर्न सिलेबस के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, आपकी अब की बार नेगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं रहेगी, हम सारी डिस्कस वीडियो में करेंगे। अगर आप दिल्ली पुलिस के स्टूडेंट हो तो आपको गाइज वीडियो पूरा देखना, आपको वीडियो स्किप नहीं करना है। तो मैं आपको ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम अपना गूगल ऑन कर लेते हैं एक बार। तो फ्रेंड्स, हम गूगल पे आ गए हैं। यहाँ फिलअप करना है आपको दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। ठीक है, इतना फिलअप करने के बाद हम सर्च पे क्लिक कर लेते हैं। तो सर्च पे क्लिक कर रहा हूं मैं दोस्तों। नीचे आइए और फ्रेंड्स थोड़ा नीचे आ जाइए। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल सिलेबस। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। आपको इस साइट पे आना है। ठीक है, इस साइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां पे जाके डायरेक्ट क्लिक करके साइट पे आ सकते हो एग्जाम पैटर्न सिलेबस चेक करने के लिए। ओके, और फ्रेंड्स नीचे आइए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल सिलेबस 2019। और फ्रेंड्स नीचे आइए दोस्तों। अगर आपकी मैं बात करूँ इसमें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, मतलब आपका एग्जाम होगा इसमें सबसे पहले। फिर आपका पीएसटी पीईटी होगा। देखिए यहाँ पे फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट जिसको बोलते हैं हम। और थर्ड नंबर पे आपकी टाइपिंग टेस्ट होगा। जिन मेरे फ्रेंड्स की टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं है, प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उनके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा सबसे पहले टाइपिंग के ऊपर, जिसको देख के आपकी टाइपिंग बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा जिनकी टाइपिंग अच्छी नहीं है इसमें। ओके फ्रेंड्स, फोर नंबर पे देखिए कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट। फोर नंबर में दोस्तों ये होता है कि आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल के बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। कोई फाइल, किसी फाइल में कॉपी करना या फिर उसको पेस्ट करना, ये सब आपको नॉलेज होना चाहिए। फोर नंबर पे ज्यादा कुछ नहीं है, बस ये नॉर्मल होगा आपका। ओके, और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए द एग्जाम विल बी रिटन टाइप, आपका जो पेपर होगा दोस्तों रिटन टाइप में होगा। द एग्जाम विल बी इंग्लिश एंड हिंदी, ईच क्वेश्चन विल बी 1 मार्क्स, आपका दोस्तों एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा। द टाइम ड्यूरेशन फॉर एग्जाम विल बी 90 मिनट्स, आपको पेपर सोल्व करने के लिए 90 मिनट्स मिलेगी, मतलब पूरा 1.5 घंटा। ठीक है, 1 घंटा 30 मिनट्स। अगर आपके सब्जेक्ट्स की बात करूं, यहाँ पे देखिए आपसे जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वांटिटी एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस जिसको हम रीजनिंग कहते हैं उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ पे देखिए फाइव नंबर पे कंप्यूटर फंडामेंटल्स, आपसे दोस्तों अब की बार कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें कंप्यूटर काफी महत्वपूर्ण मायने रखता है इसमें, क्योंकि ये पोस्ट जो है हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल की है, तो आपको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज की होना चाहिए काफी। तो कंप्यूटर पे आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा। अगर हम आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूँ, जीके से आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वांटिटी एप्टीट्यूड से आपके 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस से आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 25 मार्क्स के होंगे। कंप्यूटर फंडामेंटल से भी आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे देखिए टोटल आपके क्वेश्चन हो जाते हैं 100, 100 आपके मार्क्स हो जाते हैं। ये फ्रेंड्स आपका एग्जाम पैटर्न था। ओके, और दोस्तों आपका सिलेबस है, आप आराम से चेक कर लीजिएगा। जनरल अवेयरनेस के बारे में देखिए यहाँ आपके टॉपिक दिए गए हैं, आप इनको वीडियो को रोक के, ठीक है, आप आराम से इन सब सब्जेक्ट को देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स आप देखिए अर्थमेटिक, नंबर सिस्टम, ठीक है, और डेसिमल, फ्रैक्शन, ये प्रोपोर्शन, स्क्वायर, एवरेज, इंटरेस्ट, सिंगल प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, ये सब आपके अर्थमेटिक पूछा जाएगा आपसे। और दोस्तों इसमें आपसे एडवांस मैथ भी पूछा जाएगा। क्या सुना आपने? इसमें आपसे एडवांस मैथ भी पूछा जाएगा। अगर आपका एडवांस मैथ वीक है तो प्लीज एडवांस मैथ की भी तैयारी करें आप। जैसे कि आपके चैप्टर देख रहे हो अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेजरमेंट, ठीक है, और ट्रिगोनोमेट्री, ये सब आपको आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, मेंसुरेशन, ओके, ध्यान दीजिएगा, मेंसुरेशन, ट्रिगोनोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ये सब आपको आना चाहिए। तो अपना एडवांस मैथ भी थोड़ा सही कर लीजिएगा जिन मेरे फ्रेंड्स का मैं तो अपना एडवांस मैथ भी थोड़ा सही कर लीजिएगा जिन मेरे फ्रेंड्स का मैथ एडवांस अच्छा नहीं है, वो एडवांस में थोड़ा तैयारी करें। ओके, और फ्रेंड्स जनरल इंटेलिजेंस की बात करूँ, रीजनिंग के बारे में देख लीजिए यहाँ पे, पैटर्न फोल्डिंग, कंप्लीशन सीरीज, नंबर एनोलॉजी, ट्रेंड्स, फिगर एनोलॉजी, सीरीज, एमोशनल इंटेलिजेंस, वर्ड बिल्डिंग, सोशल इंटेलिजेंट, कोडिंग एंड डिकोडिंग, आपको ये सब चैप्टर याद होने चाहिए, इनका आपको पता होना चाहिए। रीजनिंग पे ध्यान दीजिएगा। ओके, आप वीडियो रोक के आराम से चैप्टर देख लीजिएगा। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपके सिलेबस दिया गया है इंग्लिश का भी। यहाँ पे पैसिव एक्टिव पैसिव आना चाहिए आपको, इंडायरेक्ट नरेशन आनी चाहिए आपको,
मतलब मिसस्पेल्ड वर्ड्स भी आपको पता होना चाहिए, एरर भी आपको पता होना चाहिए, एक्ट टू पेसिव आपको आने चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा इस बात पे भी। इन सबको आप आराम से देख लीजिएगा। कंप्यूटर फंडामेंटल की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एमएस एक्सेल आपको पता होना चाहिए, इंटरनेट के बारे में डब्ल्यू डब्ल्यू एंड वेब ब्राउजर के बारे में आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए, एचटीटीपी एफटीपी यूआरएल के बारे में, जैसे भी मतलब जो सोशल नेटवर्किंग के बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, जो भी हमारा सोशल नेटवर्किंग होता है डब्ल्यू डब्ल्यू एचटीटीपी एफटीपी, इसके बारे में आपको पूरे नॉलेज होने चाहिए ताकि आपका एग्जाम पास हो सके। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस पे आपको पूरा फोकस करना है कंप्यूटर के ऊपर। ओके तो फ्रेंड्स, ये आपका दोस्तों एग्जाम पैटर्न सिलेबस था, और कई फ्रेंड्स का डाउट था कि सर इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो दोस्तों आपको बता दो इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्या सुना आपने, अब की बार इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और शायद होती भी नहीं है। ओके अब की बार नहीं होती, नहीं नेगेटिव मार्किंग शायद इसमें, लेकिन अब की बार तो आप पेपर दोगे आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी, 100% बोल रहा हूँ मैं। तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, अपने आराम से तैयारी करनी है। ओके और फ्रेंड्स, इस रिलेटेड आपका कोई सुझाव या फिर कुछ सजेशन हो प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा। अगर आपको कुछ डाउट लगता है प्लीज मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो दोस्तों इतना ही था। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, फिर दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं अपने लिए बेहतरीन वीडियो बनाता रहता हूँ गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड। तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है दोस्तों, नीचे रेड कलर के बटन पर क्लिक करके, और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच।